अंबेडकर नगर जिले के सीबी सिंह लॉ कॉलेज में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत करने आए मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री मोहसिन रजा ने अयोध्या में राम मंदिर बनने का पुरजोर समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मंत्री आजम खान पर भी जमकर बरसे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मोहसिन रजा ने आजम खान को क्रूर और अत्याचारी तक कह डाला। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि आजम खान ने अपने ही समाज पर सबसे अधिक जुल्म किया है और जनता के पैसे का दुरुपयोग कर जौहर ट्रस्ट बनाया है। भाजपा सरकार जौहर ट्रस्ट में लगे एक पैसे का हिसाब भी लेगी। आजम खान को जौहर ट्रस्ट छोड़ना ही पड़ेगा। मैं तब भी कहता था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो भैया सऊदी अरब में तो हमारे मोदी जी गए थे, उन्होंने वैसे ही दिखा दे दिया कि मंदिर बनाइए यहाँ। तो भी हिंदुस्तान को हमारा प्राथमिकता है, यहाँ पर यही तो मंदिर बनेगा। और तमाम जगहों पर मस्जिदें हैं, आप रखवाली करते हैं कि नहीं करते हैं? जौहर विश्वविद्यालय की जो बात आप कर रहे हैं, जौहर ट्रस्ट है, और जौहर ट्रस्ट एक बहुत ही क्रूर नेता, बहुत ही अत्याचारी नेता, जिनको पूर्व में मंत्री रहे, मुसलमानों के मसीहा कहलाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उन्होंने जुल्म किया है तो अपनी ही कम्युनिटी पर, अपने ही लोगों पर किया है। ये सवाल उनसे करिए। और वो जो उन्होंने शोध संस्थान लेकर उस पर कार्य किया है, तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं वो जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है, हम उसको वापस लेंगे और नियम बनाकर उसमें छात्र पढ़ेंगे, पढ़ाई का लॉस ना हो, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। चाहे वो मंत्री जी कुछ भी कर लें, वो वहां से उनको छोड़ना होगा। और हम वो देख चुके हैं, हमारे पास पूरी फाइल रखी है, उसमें इतनी अनियमितताएं हैं, जबरदस्ती तरीके से लिया गया है, और सरकार के पैसे का और जनता के पैसे का दुरुपयोग है, और अपने लाभ के लिए, व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया, भयभीत किया उन्होंने अपने समाज को। समाज को चाहिए उनसे सवाल करें। SPNI न्यूज रूम की रिपोर्ट।